कौन कौन भगवद गीता लेके आया है, कौन नहीं लेके आया है, क्यों क्यों नहीं लेके आए हैं? क्यों नहीं लेके आए हैं आप? और क्या पहली बार आए हैं? और बाकी हाँ, फर्स्ट है मुहूर्त निकलेगा 16 तारीख को। क्यों खास? तो पिछले 2 महीने से पैसे नहीं आए हैं अभी? नहीं आए थे, उसके पहले मैंने भगवत गीता लिखने आया था। मैं कृष्णा आप लोग पहली बार आए हैं? एक्चुअली आज मैं कहीं और से आया हूँ, मैं उधर से इधर ही क्लास के लिए आया। ऊपर जो टेबल पे भगवद गीता रखी है ना कल, वो ले आओ। बिना भगवद गीता पढ़ के कैसे पढ़ेंगे? किताब है नहीं, स्कूल में जा रहे हैं, कैसे में आएगा? किस किस ने एग्जाम दिया अभी तक? चेक करते हैं किस किस ने दिया है। जयंत कपूर आया है? नहीं आया। राज शर्मा, दक्ष, आशू, विकास, भाविक, विशाल कुमार, और मुकुल। से मतलब यहाँ बैठे हुए 3 लोगों ने 4 लोगों ने एग्जाम दिया है, बाकी एग्जाम क्यों नहीं दिए? तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका है क्या? नहीं पता चला। ग्रुप में मैंने क्विज भेजा था ना, कौन ऐड नहीं है? हमें कॉल आया था। फिर कॉलिंग कहाँ से हो रहा है जब ग्रुप में ऐड नहीं है? तो रजिस्ट्रेशन किया है आपने? फर्स्ट क्लास से तो अभी तक ग्रुप में क्यों नहीं है? फ़ायदा क्या? 4 लोगों ने एग्ज़ाम दिया सिर्फ, आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या है? आपने क्यों नहीं किया? मेरे सर, मेरा अभी फर्स्ट क्लास है और 3 दिन पहले मिल गई।
सारे फर्स्ट क्लास वाले हैं क्या? क्वेश्चन तो बाद में है, पहले तो बताइए। क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड अर्जुन गिव फॉर नॉट फाइटिंग? ऑप्शन है करुणा, असमंजस, आनंद। सारे आंसर है सारे ए बी सी। उसको एंजॉयमेंट भी आ रहा था मार के, उनको लॉस ऑफ एंजॉयमेंट था ना। ऑप्शन फोर था ना, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, अकेला एंजॉयमेंट दिखा। चार रीजन बताइए। अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता था, देख क्यों रहे हैं? बताओ फिर। वंश का विनाश हो रहा था। फेस उधर नहीं होना है, फेस इधर में होना है। सामने तो सारी फैमिली थी, कंपैशन था कि क्या फायदा होगा, आगे आप जीत भी जाओ तो क्या मिलेगा, सब कुछ तो वो ये गलत है, सही बता दो। नहीं आप बताओ, मुझे तो नहीं पता, मुझे जो लगा मैंने कर दिया, करोना मुझे लगा, पर एंजॉयमेंट नहीं समझा। मेरे हिसाब से इच्छा की बात, आपके हिसाब से नहीं पूछ रहे ना, जो बताया गया वो पूछ रहे हैं। उसको डर था कि मान लो जीत भी गया, ये सारे लोग मर जाएंगे तो मजा किसके साथ में करेंगे? एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए कोई होना चाहिए ना घर में, सब मर गए घर में। पैसा खूब है, बड़ा बंगला है, गाड़ी भी है, पर कोई है नहीं साथ में जिसके साथ कुछ बात कर सके, कुछ शेयर कर सके, तो क्या फ़ायदा? तो एंजॉयमेंट का लॉस हुआ। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने रिकॉर्डिंग सुना था जो ये इस चैप्टर की जो क्लास हुई, उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई वो सुनी? किसने सुना है? किसी ने भी नहीं सुना। दिवाली ने रोक दिया। गूगल करने के लिए किसने कहा था? मैंने इसलिए बोला था कि वो लेक्चर सुन लेना। मैंने प्ले लिस्ट शेयर किया था ना, तो फालतू में तो मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। जब आप कर ही नहीं रहे हैं, उल्टा डाउट कर रहे हैं कि ये गलत कर दिया हमारा, हमारा तो सही था। तो जब रीजन जब बताऊंगा, जब आप सुनेंगे ना, पहले आप सुनो तो सही, आप सुने ही नहीं। डेली अगर 10-15 मिनट भी व्यक्ति सुनता तब तक कंप्लीट हो गया होता। तो मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गूगल।
क्या गूगल में जो लिखा सब सही है? गूगल कहाँ से है? गूगल को भी किसी ने लिखा ही है ना, उसमें जो लिख दिया किसी ने हो गया से। गूगल में तो लिखा हुआ है कि माइथोलॉजी है सारा सारा, मान लेंगे माइथोलॉजी है। गूगल में तो हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। प्रभु गूगल गुरु नहीं है, ये समझ लो। समस्या ये है कि हम गूगल को गुरु बना के बैठ चुके हैं। हमें रियल लाइफ में कोई गुरु नहीं चाहिए, हमें गूगल गुरु है। जो चाहिए सर्च मारा, गूगल ने बता दिया वो सही है, गूगल ने बोला सही है। यही गूगल है जो गूगल मैप दिखाता है और जाके आपको बंद दीवार के सामने खड़ा करके बोलेगा डेस्टिनेशन पे पहुंच गए आप। बोलता कि नहीं बोलता है? फिर आप इस गूगल की बात कैसे मान रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ गलत है, लेकिन हम ये कह रहे हर चीज़ सही भी नहीं है। और यदि सीरियस हैं तो जो बताया जा रहा है उसको सुनिए तो सही। क्वेश्चन नंबर बताइए। हाँ, तो कौन सा लिखा आपने? इसमें है 13-18। हाँ, 13-18 ही है। स्लाइड्स में नहीं देखा था, नहीं बताया गया था। अब रिकॉर्डिंग उठा के सुनिए प्रभु, सारा का सारा इसमें नहीं होगा तो फिर हम बोल क्यों रहे हैं? फिर तो हमें बोल देते खाली गीता में से ही है जो भी आना है, सुनने की तो जरूरत है ही नहीं फिर तो। आपको स्लाइड में डिवाइड करके बताया था कि भगवद गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पहले 6 चैप्टर कर्म योग हैं, लास्ट के ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग है। लेकिन नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी ने सुना ही नहीं, ज्योति नहीं समझे। कैसे उत्साह आएगा बताइए बताने वाले का? वो छोड़ो यार, टाइम पास करो आप भी। जब आप लोग टाइम पास करें हम भी थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। बोलेंगे 8:30 हो गया, चलो हो गया ख़त्म। ये बताइए ना, मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को ये बता करें, चलो स्कूल में आ जाता है, स्कूल में तो टीचर को सैलरी मिलती है, वो पढ़ाए ना पढ़ाए उसको सैलरी मिलती है, उसके ऊपर से प्रेशर भी आ सकता है, भैया तेरे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, या कोई ना तो मेरे को प्रेशर करने वाला है ना कोई सैलरी देने वाला है। फिर भी अपना टाइम निकाल करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर हम भी छोड़ देते हैं। जब तक उत्साह सामने से दिखाई नहीं देता ना तो बोलने वाले का उत्साह नहीं आता है। अब आप बताइए, यही कह रहे आप, ये आप है ही नहीं, आपने कहाँ से दे दिया? और मैंने स्पेशली बोला था कि ये रिकॉर्डिंग्स हैं, क्योंकि इस बार बीच में रिकॉर्डिंग छूट भी गया है। आप पुरानी रिकॉर्डिंग दी हैं, 5 क्लास थी 1st चैप्टर की, और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की बात है वो, है ना? 15 दिन में 5 क्लास, एक दिन में 3, 15 दिन में 5 क्लास हैं, तो 3 दिन में 1 क्लास कुछ ज़्यादा था।
चलते चलते भी सुने तो समझ में आ जाएगा, लेकिन गारंटी देता हूँ खोल के भी नहीं देखा होगा, खोल कर भी नहीं देखा होगा तो ये है क्या। एक आदमी ने देखा होगा, क्योंकि YouTube तो दिखा देता ना कि ये वाला जो लिंक है कितने लोगों ने क्लिक किया है, खोल कर ही नहीं देखा गया। कॉपी पेन कहाँ है? ना कॉपी है, ना पेन है, ना बुक है। जिसके पास गीता नहीं है, गीता यहाँ से उठा लो। ये तो रहने दो। एक किताब तो यहाँ भी रहने दो, नीचे जमीन पे नहीं रखते हैं, थोड़ा गोद में रख लीजिए। जिसने नहीं किया अभी तक, अब पहले बैठ के इक्वेशन आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। मोबाइल निकालिए अपना, ऑनलाइन क्विज है, इसको सोल्व कीजिए। और रिटर्न में किसने किसने किया है? रिटर्न वाले 1, 2, 3, 4 और 5। ना रिटर्न है, ना मल्टीपल चॉइस। क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जो करके जाएगा वो कुछ खिलाएगा। ये जो 90 out of 95 आए नकल मार के आए कि ऐसे ही? हाँ सही बताना, इनके साथ मिलके इनके खुद के तो कमाए थे, इन्हें पता था ना फिर कौन कौन से गलत हो गए हैं, तो दूसरों में से तो कम मारेंगे फिर। चलिए आपकी ईमानदारी के लिए, और किया भी कब है? कल किया है, जो ग्रुप में नहीं है पहले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बाद में ये ना बोले कि हम ग्रुप में हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या है। आपका नाम क्या है? हर्षिल। हर्षिल कौन सी क्लास में आप आएंगे रेगुलर? सोच लो, यहाँ भी होमवर्क मिलता है, स्कूल में तो होमवर्क है ही, यहाँ भी होमवर्क मिलेगा। जो SPS वाले हैं वो पीछे बैठेंगे, आगे भी दिखना ही चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SPS मतलब जो सैटरडे क्लास वाले हैं,
जो सैटरडे क्लास वाले हैं पीछे रहेंगे और जो इस क्लास वाले हैं वो आगे आ जाएंगे। आप सारे पीछे वाले हैं, इधर आ जाइए। जो इस क्लास वाले हैं सिर्फ इसी क्लास में आते हैं और किसी में नहीं आते हैं वो इधर में आ जाएंगे। हो गया। अब इनमें से कौन ऐड नहीं है ग्रुप में बताइए, नाम बता दीजिए। विकास सर। विकास सर। और नंबर नाम किशन। किशन किशन किशन। और रवि। और गौतम। और निखिल। आप इसी क्लास में हैं, इसी में है कि दूसरी में भी आते हैं? सैटरडे में आते हैं। तो फिर नाम क्यों ले रहे हैं जब बोला कि सैटरडे वालों को नहीं बोलना है? और बस इनको आप ऐड कर दीजिए। भगवद्गीता का दूसरा अध्याय निकाल लीजिए। निकाल लिया। तो अर्जुन ने पांच रीजन दिए युद्ध ना करने के। फर्स्ट है कंपैशन, कॉपी पेन, फिर बाद में कहेंगे कि सेकंड लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट, थर्ड फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, फोर्थ डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली लाइफ एंड फिफ्थ इनडिसीजन। पहला आउट ऑफ कंपैशन, कंपैशन मतलब दया, करुणा। पहला करुणा, दूसरा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, या हिंदी में क्या है इसका, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अब वो देख लो, हिंदी मुझे इतनी नहीं आती है, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में समझ में आते हैं। मजा लेना कहते हैं वैसे एंजॉय करने को, अब यहाँ प्रॉपर क्या बनेगा। तीसरा है फियर ऑफ सिनफुल रिएक्शन, पाप कर्मों का भय, पाप लगेगा ये भय था उसको। चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन का नाश, सर्वनाश। और पांचवा है इनडिसीजन, निर्णय ना ले पाना। इनडिसीजन, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन जहां है व्यक्ति को। चैप्टर वन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसी को याद है? बिना देखे मेरे पुत्र ने पांडव को जन्म दिया।
जब बताना हो तो कम से कम हाथ उठा लेना चाहिए। दिस इज द कॉमन एटिकेट, कोई नया चीज तो नहीं है ना। यस और नो? हाथ उठाना चाहिए ना कि भैया अब जिसको बोला जाए, अब इधर से ये बोल रहे, उधर से वो बोल रहे, खिचड़ी पक रही है सब्जी मंडी में, जैसे वो बेचते हैं ना सब्जी, मूली ले लो, गाजर ले लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। आप इधर से आगे सामने आइए, मैंने बोला कि सामने आइए, सामने आइए, जगह बहुत पड़ी है। तो संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने बताया, पहले तो किसके बारे में बताया, दुर्योधन के बारे में बताया, उसके बाद अर्जुन के बारे में बताया, और लास्ट में क्या कहा, लास्ट श्लोक में क्या बताया, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट श्लोक। अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है और अपने धनुष बाण को छोड़ करके रथ के ऊपर बैठ जाता है। लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो पहले खड़ा था जब बातें हो रही थी, फिर बोला मैं तो नहीं लड़ने वाला और बैठ गया। अब ये सोच के कि अरे अर्जुन तो लड़ेगा नहीं, ये तो बैठ गया है, तो मेरे पुत्र अवश्य विजयी होंगे, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया जब उसने सुना कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है, और वो अपना राज्य त्याग करके जंगल में जाने के लिए रेडी हो गया है। अब ये देख करके कि धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया है, संजय ये श्लोक बोलते हैं, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। कनेक्शन समझ में आ गया है फर्स्ट चैप्टर के साथ में। जब ये देखा कि अर्जुन बैठ गया, तो धृतराष्ट्र ने जब ये सुना तो बड़े खुश हुए, तो संजय ने उसकी खुशी को दूर भगाने के लिए ये श्लोक बोला। क्या कह रहे हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विशिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान का नाम क्या है यहाँ पे, मधुसूदन। और मधुसूदन का मतलब क्या बताया था, मधु नामक असुर को भूल जाते हैं, एटिकेट्स को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कह रही है, जो डाउट होते हैं ना, डाउट जैसे पूछ रहे, डाउट प्रश्न, डाउट्स आर लाइक डेमन्स। ये जो डाउट्स हैं ये असुरों की तरह होते हैं, इनको मारना जरूरी है। और ये कहाँ से होगा, जब ज्ञान होगा। नॉलेज नहीं है तभी डाउट आता है, नॉलेज होगा तो डाउट क्लियर हो जाता है। तो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, भगवद्गीता पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं भगवद्गीता की मैं यहाँ पे नहीं मिली आपको, लेकिन मैंने इसलिए बोला था कि क्वेश्चंस हमने जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए, इस तरह से बनाए कि वो लेक्चर भी सुने व्यक्ति, उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। नहीं इसमें तो 4 पेज पढ़ने थे आपको, इसमें तो जाए क्या क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें तो अक्षौणी सेना का भी नहीं लिखा हुआ था। तो इसलिए उसको सुने व्यक्ति, इसलिए ऐसा किया गया था। तो ये देख करके धृतराष्ट्र जो है बड़े खुश हैं, संजय ने उन खुशी दूर करने के लिए कहा कि अभी मधुसूदन बोल रहे हैं, और मधुसूदन जिन्होंने मधु नामक असुर को मारा था, तो अर्जुन के मन में जो डाउट आ गया है, ये जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहता है, कृष्ण क्या करेंगे, उस असुर को भी भगा देंगे, उसको इंस्पायर करेंगे युद्ध करने के लिए। तो संजय
कह रहे हैं कि अब सुनिए आगे क्या हुआ। संजय कृपया करके मोबाइल को शांत करें, बाहर जाके बात कर लीजिए अगर इतना ही अर्जेंट है। तो इस भगवद गीता के दूसरे चैप्टर को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म देंगे लाइफ। क्या लाइफ? एल आई एफ ई। तो एल फोर है लर्निंग फ्रॉम ऑथोरिटी, लर्निंग फ्रॉम ऑथोरिटी एल का मतलब। और ये भगवद गीता के फर्स्ट सेकंड चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से लेके टेंथ श्लोक तक, पहले 10 श्लोकों में इसका वर्णन किया है कि हमें अपनी ऑथोरिटी से सीखना चाहिए। ऑथोरिटी मतलब, ऑथोरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पावर देती है, पावर किसी को अपनी, जो पावर हमारी। ऑथोरिटी को आप ये समझ लिए, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? अकाउंट का काम करते हैं ना। तो आप किसको अकाउंटेबल हैं? हु इज योर ऑथोरिटी? किसको रिपोर्ट देना होता है? That is your authority. तो learning from authority. तो अब यहाँ भगवान बोलना शुरू करते हैं। तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, तात्पर्य में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बाद में हम आप पूछ सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट में शॉर्टकट में करना चाहते हैं अभी। फिर अर्जुन ने, संजय ने कहा कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कौन से शब्द कहे? धृतराष्ट्र ने पूछा। तो संजय बोला, उन्होंने कहा श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस, बोली विस्मे समुपस्थितम अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम आकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमस आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान पूछ रहे हैं, कुतस्त्वम, ये कहाँ से, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया? ये कचरा कहाँ से आया है? कौन सा कचरा? जो अभी तक जो तुम ज्ञान झाड़ रहे थे ना, अब पिछले श्लोक में जो ज्ञान अर्जुन बता रहा है कि मैंने ये सुना है, वो सुना है, कहाँ से आया तुम्हारे मन में? क्यों? क्योंकि अन आर्यम, जो आर्य है, आर्य किसको कहते थे? बताया था ना, आर्य क्षत्रिय कहते थे, जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब जो जीवन के मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, शिक्षाओं को समझता है, जानता है, वो आर्य कहलाता था, सिविलाइज्ड पर्सन। और कहते अन आर्यम, तुम जो बातें कर रहे हो ये आर्यों के अनुकूल नहीं है, तुम जीवन के मूल्यों को नहीं जानते, ये गंदगी तुम्हारे हृदय में कहाँ से आ गई है? और इससे क्या होगा? अस्वर्गम, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्या होगा? अकीर्तिम, अपयस होगा, लोग आपकी बुराई करेंगे, कोई आपका गुणगान नहीं करने वाला है, क्या करेंगे? बुराई करेंगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो,
ऐसे बीच मझधार में लड़ने के लिए आए हो और बैठ गया, मैं नहीं लड़ूंगा, छोड़ दिया है, तो लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए क्लेव्यम मा समगमः पार्थ नहि तत्व उपदत्तते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। इसीलिए हे पृथापुत्र, हे परंतप, परंतप मतलब जो शत्रुओं का दमन करने वाला है, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, उठ जाओ, जाग जाओ। ये जो तुम्हारे हृदय की नपुंसकता है, इसको त्याग दो। ये तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है, इसको क्या कर दो, त्याग कर दो और खड़े हो जाओ। तो भगवान मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को। दिस इज द फर्स्ट मोटिवेशनल सेमिनार, ये पहला मोटिवेशनल सेमिनार है जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर यहीं से उठा उठा करके मोटिवेट करते हैं दूसरों को, पर कृष्ण का नाम कहीं नहीं आता। उनको लोग जानते हैं, पर रियल नॉलेज कहाँ है, भगवद्गीता के अंदर में ही है। तो कह रहे कि आप क्या करो, इसको अपने हृदय की जो वीकनेस है, इसको छोड़ दो और छोड़ करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन कहता है, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदना। अर्जुन ने कहा, कैसे कैसे मैं भीष्म और द्रोण, जो द्रोणाचार्य हैं, इन जैसे महानुभावों के ऊपर मैं बाण चला सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरे लिए पूजनीय व्यक्ति हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। एक मेरे गुरु हैं और एक पितामह हैं, तो इनको मैं कैसे कर सकता हूं। और आप यहां पर नाम आया भगवान का अरिशूदन। अरिशूदन का मतलब क्या लिखा है, शत्रुओं के संहारक। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप अरिशूदन हो, शत्रुओं को मारने वाले हो, घर वालों को मारने वाले नहीं हो, तो मुझसे मेरे घर वालों को क्यों मरवा रहे हो, आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। हे कृष्ण, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्य अपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये अगर मैं इनको मार दूंगा और मार करके अगर राज्य प्राप्त भी कर लिया, इस राज्य का भोग करूंगा, तो इनके खून से सना हुआ होगा ये, तो क्या फायदा ऐसी वस्तु को प्राप्त करके जो दूसरों को मार करके प्राप्त होती हो, और वो भी अपनों को मार कर। दुश्मन को मार कर तो चलो एक अलग बात हो गई, शत्रुओं से तो आपने युद्ध किया, शत्रुओं को मारा, लेकिन आप मुझसे मेरे अपनों को मरवाना चाहते हैं। और गुरु को तो कभी मारना ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा, इनको मार करके मैं राज्य का भोग करना पसंद नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण सुन रहे हैं, अच्छा और कुछ बोलना चाहते हो। तो फिर अर्जुन ने कहा, ना चैद एतत् विद्यः कत्रत् ग्रीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेन हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारे जीते जाना। तो भगवान सुन रहे, अच्छा और कुछ बोलना चाहते हो। अर्जुन बोले, हाँ बोलना तो है, थोड़ा मेरे डाउट सा चल रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम इनको जीतें या ये हमें जीत लें, हमें मार दें, ना? क्या हमारे लिए सही है, हम तो ये भी नहीं जानते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन क्या कहता है,
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्छा कर, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ क्या, यत् श्रेयसा निशितम ब्रूहितन में, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे को क्या करना चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिए, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा, तुम मेरी बात का मजाक उड़ाओगे। दोस्ती में तो ऐसे ही होता ना। तो अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं शिष्यस्ते हम, मैं अब आपका शिष्य हूँ, और शिष्य गुरु का जो संबंध है वो सीरियस होता है, और जो दोस्ती का है वो थोड़ा मजाक उसमें चलता है। तो कह रहा कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब कृपया करके उपदेश दीजिए। अभी तक भगवान ने कुछ समझाया नहीं है अर्जुन से, कुछ समझाया है, केवल एक प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे मन में कलमश कहाँ से आया है, तुम्हारे लिए ये जो चीज़ अच्छा नहीं है, पर अभी तक ये बताया नहीं, ज्ञान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी तक अर्जुन शरणागत नहीं हुए थे। जब तक सरेंडर नहीं है तब तक नॉलेज, भगवद गीता के चौथे अध्याय में इसका वर्णन आएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन चीज़ें, थ्री क्वालिफिकेशन, ये जब तीन होंगी तभी वो ज्ञान अंदर में जाएगा और रुकेगा, यानी कि प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा व्यक्ति। और तीन चीज़ें नहीं है ना, सुन भी लेगा, पढ़ भी लेगा, वो जाएगा निकल जाएगा और रुकेगा नहीं। वो क्या है, तीन है, बता तो रहा हूँ, नोट डाउन कर रहे हैं, तो कॉपी पेन नहीं है, फिर कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, अगली बार तक भूल जाएंगे। याद रहेगा एक हफ्ते पक्का, चलिए देखते हैं। पहला तद विधि प्रणिपाति न, फर्स्ट है गुरु के पास जाके शरणागत होना, दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, शरणागत होना, सरेंडर करना। सेकंड प्रश्नेन, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा, लेकिन वो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, सीखने के लिए, हाँ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सीखने के भाव से, चैलेंज देने के भाव से नहीं, है ना, चैलेंजिंग मूड होता ना कई बार डिबेट जो होता है, तो उस भाव से जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। और तीसरा सेवया, सेवा करके, सेवैया नहीं, कभी सेवैया याद आ गई हो, सेवया ना, सेवा करना, ये तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें जब करेंगे तो वो क्वालिफिकेशन आती है कि व्यक्ति उस ज्ञान को होल्ड कर पाता अपने अंदर में। नहीं तो दे भी देंगे ना गुरु, और ज्ञान दे भी दिया तो शिष्य उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। शरणागत होने का अर्थ है कि डाउट नहीं, फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं है, ऐसे कैसे, शरणागत होने से पहले आप गुरु को ढूंढ सकते हैं कि मुझे किसको शरणागत करना चाहिए, किसको सरेंडर करना चाहिए, उसकी गुरु की क्वालिफिकेशन जो है उसके आधार पर, दोनों की जरूरी है, गुरु की भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है और शिष्य की भी कुछ क्वालिफिकेशन है, समझ आ रहा है। मान लो क्लास में सारे के सारे फेल हुए, इसका मतलब गुरु अच्छा नहीं पढ़ाए, लेकिन यदि क्लास में कुछ 100% भी लेके आए हैं और कुछ फेल हो गए, इसका मतलब शिष्य की गलती है जो फेल हुआ है, ठीक है। शिष्य की भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, सब गुरु के ऊपर तो उंगली उठा दिए, पर अपने बारे में कोई बताता है मैंने नहीं किया, है ना,
ये तो बता दिए कि आपने प्रश्न गीता के इसमें से नहीं दिया है, ना प्रीफेस में से दिया, ना चैप्टर वन से दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने सुना नहीं है। अपनी गलती भी तो देखनी है। तो जनरली हम दूसरों की गलती तो देख लेते हैं और अपनी नहीं देखते। कौन देखता है? कोई बताते हैं अपनी गलतियों को? अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे नहीं आगे। गलती हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गलती होने के बाद उसको छुपाना। आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर बोलता है क्या बीमारी है, बस देख लो आप, थोड़ा दवाई दवाई दे दो, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ तो कुछ लक्षण तो बताएंगे ना, कुछ क्या प्रॉब्लम है आपको वो तो बताओ। बोले आप डॉक्टर हैं, आप बताओ। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको ठीक कर सकता है? हाँ, कुछ भी गोली दे देगा, लाल काली पीले, चलो हो गया। लेकिन इसको समस्या बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे, प्रॉब्लम क्या है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, क्या है, कुछ तो बताओ, तभी तो वो सही दवाई देगा। यस और नो? तो कह रहे जिस प्रकार से गुरु डॉक्टर के पास जाकर के व्यक्ति अपना सब कुछ बता देता है, डॉक्टर पूछता है कल क्या खाया था, अच्छा कल क्या खाया था, मतलब मेनू क्यों पूछ रहा भाई, तू तूने भी खाना था क्या, ऐसा तो नहीं है ना? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उससे रिलेशन है, खाने से संबंधित है समस्या का पता लगाना। फिर पूछता है टॉयलेट कैसा आया था, बोले हम टॉयलेट चेक करते रहते, कैसा आया था भैया, पीला था, वाइट था, क्या कुछ कलरफुल था कि बिना कलर का था, क्यों क्यों पूछते हैं? कि जब व्यक्ति बीमार होता है ना तो उसमें चेंज आता है, उसके आधार पर बताएगा वो कि समस्या क्या है। तो अगर हम छुपाएंगे तो सही दवाई नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम डॉक्टर के सामने खुल करके बताना पड़ता है ना, पूरा नंगा हो जाना, नंगा हो जाना मतलब पैंट उतार के नहीं, हृदय खोल देना कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या आप सोल्व कर लो। उसी प्रकार से एक शिष्य को गुरु के पास शरणागत होना चाहिए, तभी उस शिष्य की जो समस्याएं हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको सोल्व किया जा सकता है। और जब तक तो बताएगा नहीं अपने मन, अपने बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ को फेस कर रहा है, घर में हो सकता है कुछ फेस कर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब करते हुए, रात को मोबाइल चलाते हुए, हो सकता ना कि मोबाइल चलाते चलाते और पता नहीं कौन सी साइट खोल करके और कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ जाए ख़त्म करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बताएंगे तो क्या सोचेंगे, नहीं बताएंगे तो पता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। कोई ऐसा नहीं छुपाने से, जैसे वो लगाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, गुप्त रोगी यहाँ मिले लगाते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं तभी तो वो लोग लगा रहे हैं ना, लेकिन लोग सबके सामने खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, सबके सामने नहीं खुल के बोलना चाहते, कम से कम एक व्यक्ति के सामने तो बोलो, और उसके सामने जो आपकी हेल्प कर सके, दूसरा भी वही काम कर रहा है उसको बता रहे हो, तो क्या होगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कहता है यार तुम, मैं भी तो यही करता हूँ, तुम भी कर ले, क्या हो गया। सोल्यूशन तब मिलेगा जब वो उस व्यक्ति के पास जाए, उसको जाकर शरणागत करे जो उसको सहायता कर सकता है। तो कह रहे कि ज्ञान वही दे सकता है जिसने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। जो कभी स्कूल में गया नहीं, वो उसको टीचर बना के स्कूल में भेज दिया जाए, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, क्या पढ़ाएगा? तो एक अच्छा गुरु बनने से पहले एक अच्छा शिष्य बनना जरूरी है। इसलिए एल, लर्निंग फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी जो गुरु यहां पे क्या है,
अथॉरिटी। अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप मेरी अथॉरिटी हैं, मैं आपको अपनी अथॉरिटी स्वीकार कर रहा हूँ, आपके शरणागत हो रहा हूँ, बताइए मेरे को क्या करना है, और वो बताइए जो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो अलग हो सकता है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको मीठा खाना अच्छा लगता होगा लेकिन अच्छा नहीं है उसके लिए, तो वो कह रहे वो बताओ जो मेरे लिए अच्छा नहीं है या जो मेरे लिए अच्छा है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, मुझे जो लगता है उसको छोड़ दीजिए, दोनों अलग हैं चीज़ें, मुझे लगने में और मेरे लिए वास्तव में जो होने में। तो अपनी ऑथोरिटी को स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अपनी गलती को स्वीकार कर, अपनी समस्या को एडमिट कर रहे हैं। अभी तक एडमिट नहीं किया था, अभी तक तो तर्क दे रहे थे, नहीं मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा, उसलिए नहीं करूँगा, लेकिन अब एडमिट कर रहे हैं कि मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिस इज द फिफ्थ रीजन इन डिसीजन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन कन्फ्यूज हो गए हैं पूरा, और अब अपना हर्ट रिवील कर रहे हैं, अपना हृदय खोल करके रख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने कि मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, और अपना धैर्य जो है मैं वो खो चुका हूँ, इसलिए मैं आपके शरणागत होता हूँ और आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, बताइए क्या करना है मेरे को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, गुरु को ढूंढना, फिर उसको शरणागत होना। अब प्रश्न ये है कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है, गुरु की आवश्यकता ही क्या है, क्या हम अपने आप शास्त्र पढ़ के नहीं कर सकते, आपको नहीं लग रहा सर, मान लो कुछ होगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सोचे भाई मैं तो पढ़ करके हो जाएगा, समय लगेगा अपने आप समझने, अपने आप डाउट्स बहुत निकले, बहुत रुके बोला उनको ज्ञान होता है वो क्लियर करते हैं डाउट्स। अब आप देखो जो टीचर जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं ना, उनको पता है कि कहां फंसने वाला ये होता कि नहीं होता है, उसको पता कि कहां फंसने वाला है, क्यों, उसका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना उसने ये चीज़ों को देखा है कि वो देखती। अब मान लो गाड़ी कई बार चलते चलते ख़राब हो गई, अब आप देखो यार क्या हो गया इसमें, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, फिर आप जाओ एक मैकेनिक के पास में जो काफ़ी सालों से वही काम कर रहा है, बेसिक से उसने इंजीनियरिंग नहीं किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं किया है, लेकिन सालों से गाड़ी ठीक कर रहा है, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करके आया है, दोनों खड़ा कर दो, अब मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेगा, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, किसी को लेके आओ, वो देखेगा क्या है क्या हो सकता है, और वो बंदा पूछेगा हाँ हुआ क्या, कर चलते चलते रुक गई था, रुक गई थी, तुरंत उसकी नब्स मतलब कि जहाँ प्रॉब्लम है उसको उठाएगा, ठीक करेगा, चलो स्टार्ट करो, यस सुन लो, क्या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैटर करता है, हो सकता है आप समझ जाओ लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, गुरु की कृपा के बिना होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी जरूरत है। तो अब यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास ही क्यों आए हो, किसी और के पास जाके पूछ लो। नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, किसी और के पास चले जाओ, तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कह रहे कि मेरी प्रॉब्लम जो है ना, अगर मैं
सारा साम्राज्य भी मेरे को मिल जाए, धन भी मिल जाए, तो भी मेरी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही मेरी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं दे रहा है। अब कंप्लीट फेथ, ये है फेथ कि मेरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप ही मेरी समस्या को सोल्व कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं है। ये फेथ होना, जब तक फेथ नहीं होगा हम सरेंडर हो ही नहीं सकते, शरणागत हो ही नहीं सकते। हो सकता है कोई किसी के ऊपर विश्वास ही ना हो, मन में अगर यही डाउट चल रहा हो, मैंने इसको अपनी बात बताई तो ये क्या उसको तो नहीं बता देगा, उसको तो नहीं बताएगा, पूरा मीडिया में तो नहीं फैल जाएगी, डाउट। और जब तक डाउट रहेगा वो अपना दिल खोल सकता है? नहीं खोल सकता। जब उसको ये फेथ होगा कि हाँ मैं जिस व्यक्ति को अपनी बात बताने जा रहा हूँ वो क्या करेगा, मेरी समस्या को दूर करेगा और ये फैलेगा नहीं, ये बात फैलेगी नहीं, तभी तो अपने दिल की बात खुल करके बता सकता है। नहीं तो व्यक्ति को डर रहता, इमेज, इमेज कॉन्शियस, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे उसको ये पता चल गया तो। ये बाधा है, फर्स्ट ये हिंड्रेंस। व्यक्ति क्यों नहीं अपना दिल खोल पाता, क्योंकि इमेज कॉन्शियस होता है। ट्रस्ट कैसे होगा, उसके पहले सुनना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे तभी तो विश्वास होगा ना। उसके बारे में जानना, नोटिस करना, दूसरे से पूछना, तभी तो पता चलेगा कि विश्वास के योग्य है कि नहीं। हम कितना एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, हर व्यक्ति को ढूंढने बैठेंगे तो लाइफ ही चली जाएगी। मैंने अभी तक सिर्फ एल का बताया है, मैंने ये फेथ बोला है कि उसमें नहीं है, वो आएगा अभी, अभी सिर्फ एल के बारे में चर्चा किया है। अभी हमने बताया है कि अर्जुन को इतना फेथ हो गया है कि आपके अलावा मेरी कोई और समस्या को दूर नहीं कर सकता है, और इसी वजह से वो शरणागत हुए हैं। तो फेथ होना जरूरी है। अब ये फेथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता ब्लाइंड फेथ, आँख बंद करके विश्वास कर लेना, दूसरा होता है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ, रीजनेबल फेथ मतलब मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, सीरियस है, अब वो व्यक्ति जो है आप उसको ये बताते हो कि भैया तुम है ना, तुमको ये प्रॉब्लम है ना, तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास, तो वो पूछेगा तुम गए थे क्या, तुमको पता उसके बारे में, आप कहते हो हाँ, कह रहे मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैं उस डॉक्टर के पास में गया था और उसने मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया था, ठीक है। दूसरा कह रहे वो जो डॉक्टर है उसके पास सर्टिफिकेट भी है, अपना डिग्री होल्डर है, कोई ऐसे झोला छाप नहीं है। तो रीजनेबल फेथ मतलब उसने, दूसरे लोगों ने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है और उससे लाभ उठाया है, तब अब उस डॉक्टर के ऊपर फेथ करना, अब फेथ कर रहा है क्योंकि अच्छा वो कह रहा अच्छा आप ठीक हुए थे, कोई और भी है, किसी और को भी जानते हैं, हाँ वो मेरा दोस्त एक और था वो भी बीमार हुआ था, उसको भी वहीं भेजा था, वो भी ठीक हो गया था। जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ वो डॉक्टर इतना अच्छा है कि उसने उसको भी ठीक कर दिया, उसको भी ठीक कर दिया, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फेथ होता है। तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये क्या है, रीजनेबल फेथ। और ब्लाइंड फेथ क्या होता है, बस जो बोल दिया हम मान लिया,
किसी दूसरे से कोई इंक्वायरी नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। हाँ ऐसे वो डॉक्टर पास अच्छा चले जाते हैं। कुछ रीजन नहीं है यहाँ पे, क्यों जाएं उसके पास? तो आंख बंद करके विश्वास कर लिया। यस yes. अगर हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्यों जाएं, तो गुरु के प्रति एक फिर वो क्वेश्चन पुटने वाले समर्पण वाली भावना नहीं रह जाएगी। हाँ तो इसीलिए तो फेथ होना चाहिए ना पहले, समर्पण करने के लिए फेथ आना चाहिए। अब वो तभी तो डॉक्टर के पास जा करके, अब आप देखो नाई के पास जाते हो, जाते हैं, और नाई के ऊपर फेथ होता है तभी आप जाते हो, गर्दन नहीं काटेगा चाहे उस्ताद चला रहा है। यस, चाहे तो उसको तो क्या लगेगा, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, नाई के पास जाके तो सिर झुकाना ही पड़ता है और उसको मार दिया। पर व्यक्ति को फेथ होता है, वो फेथ की वजह से ही तो उसको ले भाई तू जो करना कर, ब्लेड चला जैसे चलाना है। यस yes और नो? अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले हम उसके सारा पता करते हैं। यस, दैट इज द रीजनेबल फेथ। हां जी, ये मतलब कितने लोगों ने करवाया है, क्या सक्सेस, दैट इज अ रीजनेबल फेथ। अब कोई नाई की दुकान है, उसमें क्या है कि आप देखते हो यार कितने लोग यहाँ से नाई से बनवा गए हैं, मतलब अच्छा बनाता है। और मान लो कोई आपको ये बोले ना उसके पास मत जाना, वो ना काट देता है, कट मार देता है, तो फिर आप उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये एग्जांपल दूसरी चीज़ों के लिए अलग है। अगर हमें लाइक कोई डॉक्टर के लिए बोलता है, लेकिन जब गुरु ज्ञान दे रहा है, ये नहीं कर सकते जब आपने एडमिट कर लिया कि ही इज माई गुरु। लेकिन जब तक आपने स्वीकार नहीं किया है, देन यू तब तक आप उसको पुट कर सकते हैं, तब तक ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जब तो भैया मैं ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर सच ए गुरु। तो जब तक भैया डाउट अगर नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो फेथ कैसे करेंगे? किसी व्यक्ति के ऊपर फेथ करने से पहले उसके बारे में, मान लो शादी फिक्स करवाते हैं, लड़का लड़की शादी होती है, तो पहले लड़की वाले लड़के के घर पे जाते हैं, उसके आसपास के लोगों से पता करते हैं लड़का कैसा है। यस और नो? तभी तो फेथ करते हैं ना कि हाँ ठीक है लड़का, ठीक है इसके, चाहे वो बाद में कैसा भी निकले, बट वो इंक्वायरी तो करते हैं ना, पूछते तो हैं ना, तो इसका मतलब क्या वो डाउट कर रहे हैं? पूछना तो पड़ेगा, जब तक जानेंगे नहीं तब तक फेथ कैसे करेंगे? तो पहले पूछना, फेथ जब अगर फेथ हो गया तब डाउट नहीं करना। स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया, अब इसके बाद अर्जुन एक बार भी प्रश्न नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं उठाएंगे कि आप गलत बता रहे हो। अर्जुन ये बोलेंगे आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा खुल करके बता सकते हैं? ये पूछने का भाव है। एक कह रहे एक क्या बोल रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। दूसरा कह रहा कि आप तो बता रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों में अंतर है, बात तो वही है कि पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ रहा है। पहले मैं ब्लेम कर दिया गुरु के ऊपर में, और क्या बताने कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। दूसरे में मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा खुल करके बता दीजिए। तो ये सरेंडर जब होगा तो व्यक्ति इस भाव से प्रश्न पूछता है कि अपनी गलती स्वीकार करता है, नहीं तो गलती किसकी, गलती किसने की, इसने की नहीं उसने की, उसने, मैंने कभी नहीं की। जब दूसरे की उंगली उठाते हैं, तीन उंगलियां किधर होती हैं, कोई देखता है इसको कि भाई तीन उंगली मैं अपने ऊपर उठा रहा हूँ, वो एक दिखती है। और इस प्रकार संजय कह रहे हैं, संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषि केशम गुड़ा केश परंतप न योत्स्यः इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूह। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो गया। तम उवाच ऋषि केश प्रसन्नीव भारत
सैन्योरुभ्योर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ से गीता का ज्ञान अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो कहानी चल रही थी ना, अभी तक तो कहानी चल रही थी, अब आगे कहानी नहीं दिखाई देगी आपको, अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ की जो बातें हैं वो पता चलेंगे। सो एल बताया था, और लर्निंग फ्रॉम अथॉरिटी मतलब अपने गुरु से, अपने अथॉरिटी को हिंदी में और क्या कह सकते हैं, सर गुरु ही मान लेते हैं उसको एज ए अथॉरिटी गुरु, तो उसको उससे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, सीखने के भाव से प्रश्न पूछना। अब सेकंड है आई, लाइफ का एल हो गया, दिस इज द फर्स्ट लेसन फ्रॉम भगवद्गीता चैप्टर टू। आई का मतलब है इंट्रोडक्शन टू रियल आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन टू रियल आइडेंटिटी, श्लोक संख्या 11 से लेके 30 तक, 11 to 30, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये 10 श्लोक पढ़ करके आने हैं, है ना, तात्पर्य के साथ पढ़ने हैं, जो हमने डिस्कस नहीं किया है बीच में, लेकिन आपको पढ़ना है इसको। और ये जो ग्रुप में सब ऐड हो चुके हैं, अब जिनको जिन्होंने बोला था कि हम ऐड नहीं, अपना मोबाइल निकालें और उसमें एक इनविटेशन आया होगा उसको एक्सेप्ट करें, हो गया, निकालिए जिसने बोला था।